हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है सॉल्विंग पर्ल, और ये सीरीज काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो चलो गाइस, बैट की पेटी बांध दो और शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत सुंदर शहर जहाँ पे एक लेडी की बहुत सुंदर मूर्ति बनाई होती है, और उसी मूर्ति के नीचे लू वेंग्यू की बेटी सभी बेसहारा लोगों को खाना खिला रही होती है। लेकिन एकदम से ली युनजी की मूर्ति बोलने लगती है। वो कहती है कि सभी लोगों को एक एक करके खिलाओ, लेकिन भूखे लोगों में से एक बंदा कहता है मैं काफी दिनों का भूखा हूँ, तुम पहले मुझे दे दो, और बोलता है कि ये वाल्करी काफी ज्यादा दयालु है, हमें दलिया देने के लिए हमारे बीच में आई है। लेकिन एकदम से एंट्री होती है हमारे एमसी की, जिसका नाम जैक होता है, और एकदम से जैक कहता है कि क्या ये एक वैल्करी की मूर्ति है, और कहता है कि बहुत खूब, इस शहर में एक बहुत सुंदर महिला का शासन चलता है, और कहता है कि आखिरकार आज मुझे भरपेट खाना मिलने वाला है। लेकिन एकदम शासन में आए हुए लोग खून की उल्टी करने लगते हैं, और उनके पास खड़े कई लोग कहने लगते हैं कि मैंने कहा था कि वाल्करी इतने दयालु नहीं होते। और उसके बाद जैक ये देखकर हैरानी से खड़ा हो जाता है, और फिर डरते हुए चक्कर खाकर जमीन पर बेहोश होने लगता है, क्योंकि जैक ने भी वैल्करी का खाना खाया था। लेकिन बेहोश होते हुए जैक बोलता है मैं राजा को रेशम देने के लिए जा रहा था, और मेरे पास यहाँ खाना खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ खाना खाने के लिए बिल्कुल नहीं आऊँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। उसके बाद हम एकदम से देखते हैं सिटी जेल को, जहाँ पे स्टैन एक वैल्करी के साथ रोमांस कर रहा होता है। यानी कि जैक एक सपने में खोया हुआ था, और वो सपने में एकदम से कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है। वो कहता है कि क्या ये सुंदर वाल्करी नहीं है, और आखिर गॉड ने मुझे विफल नहीं किया है। और वो कहता है कि मेरे मरने से पहले मैंने एक काफी सेक्सी सपना देखा है। ये बोलते ही उसका वोल्केनो फट जाता है, और फिर हम देखते हैं कि जैक को एकदम से होश आ जाती है, जिससे वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत सुंदर वाल्करी लेटी हुई होती है। और जैक एकदम से कहता है कि ये क्या चल रहा है, तुमने मुझे काल कोठरी में बंद करके क्यों रखा है, और बोलता है कि ये एक सपना नहीं था, क्या मैं मैंने एक वाल्करी के साथ रोमांस किया था। और ये भी बोलता है कि शुक्र है मैं अभी तक जिंदा हूँ। और फिर हम एकदम से देखते हैं कि जैक के हाथ में एक इंसेक्ट आ जाता है, और वो बोलता है कि आप बहुत देर से जागे हैं। तभी वाल्करी भी एकदम से उड़ जाती है। उसके बाद जैक वाल्करी को कहता है कि आखिर तुम उठ ही गई, और उसे सारी बात बताने लगता है। कहता है कि मैंने वाल्करी की प्रजा से खाना खाया था, कहता है कि मुझसे मेरे सारे पैसे लूट लिए। लेकिन वो वाल्करी उसको कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, और कहती है कि मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन वाल्करी की बात पूरी होते ही वहाँ पे कोई आ जाता है जो कि एक औरत थी, और वो औरत उन दोनों को देखकर हंसने लगती है, और वो औरत जैक से कहती है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, लगता है कि इस वाल्करी ने आपकी काफी सेवा की है। और वो कहती है कि आखिर उन लोगों को कितना मजा आएगा जब सभी लोग सुनेंगे कि मैग्निफिसेंट सिस्टर एक छोटे से भिखारी के साथ सो रही है। और वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये खबर काफी दूर दूर तक जाने वाली है, और ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। लेकिन उसके बाद रेबल उस वाल्करी को कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मेरी वजह से फंस गई हो। लेकिन वाल्करी जैक को कहती है कि तुम मेरी ओर मत देखो, और उसे बहुत जोर से पंच मार देती है। लेकिन जैक वाल्करी को कहता है कि तुमने मुझे भी तो देखा, और कहता है कि मैं भी तो एक व्यक्ति हूँ। लेकिन वाल्करी उसे कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दूंगी। उसके बाद जैक वाल्करी को कहता है कि मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, लेकिन अब मैं ये पता लगा रहा हूँ आखिर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। लेकिन एकदम से हम देखते हैं जैक का कीड़ा उस जेल की विंडो को खा जाता है। ये देखकर जैक खुशी के मारे उछलने लगता है। उसके बाद जैक कहता है कि मेरा छोटा कीड़ा तो कमाल का है, और ये तो कुछ भी कर सकता है। ये देखकर वो वाल्करी भी कहती है कि बहुत खूब कीड़े, और घमंड के मारे इन तीनों की नाक एकदम से लंबी हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जैक वहां से जाने लगता है, लेकिन एकदम से वैल्करी उसके पीछे से उसको आवाज लगाती है, और कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और जैक कहता है कि तुम तो एक वाल्करी हो, और वाल्करी तो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, और आखिर तुम्हें मेरी हेल्प क्यों चाहिए। लेकिन वाल्करी कहती है कि मुझे जहर दिया गया है, और अब मैं काफी कमजोर हो चुकी हूँ। लेकिन जैक टोंच मारते हुए कहता है कि मुझे भी अंधा कर दिया गया है, अब कोई मदद नहीं होगी। लेकिन ये सुनते ही वो वाल्करी जैक के पेट में बहुत सारे पंचेस मारने लगती है। लेकिन रेबिल बोलता है कि रुक जाओ मत मारो मुझे, और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद जैक वाल्करी को कहता है तुमने कहा कि तुम पावरलेस हो, और तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनते ही वाल्करी जैक के मुंह पे लात मार के जेल की खिड़की से बाहर निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जैक एकदम से उड़ता है, और कहता है कि चलो वाल्करी अब मुझे भी ऊपर उठाओ। उसके बाद जैक ये भी कहता है कि वाल्करी जितनी सुंदर होती है उतनी ही ज्यादा ना भरोसेमंद होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।